It's the third part of chapter Historiography, Indian Traditions. In our previous part, we have seen the historiography in the medieval period. क्या देखा था हमने हमारे previous part में medieval period के बारे में. And in this topic, we will study about the historiography in the modern period. Okay? तो हमने medieval period के बारे में देखा था कि किस author ने या किसने कौन सी बुक्स लिखी थी. तो उसमें हमने कल्हना की रास तरंगिणी देखा था. ओके okay? तो उसके बाद जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था तारीख ए फिरोजशाही. फिर उसके बाद बाबर ने लिखा था ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी एंड देन अबुल फजल का अकबरनामा, ये हमने देखा. फिर उसके बाद हमने मराठी बकार्स, सॉरी मैंने लास्ट इसमें बाकर्स बाकर्स बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज अ बकार्स बका बकर बकर्स बकर्स के बारे में देखा मराठी बकर्स. अब व्हाट इज अ बकर्स? बकर्स इज अ इट कंटेन इलोजीज ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बैटल लाइफ ऑफ ग्रेट मैन. मींस बकर्स में क्या कंटेन होता है, व्हाट इज अ रियल नेम ऑफ बकर्स, बकर्स का मींस रियल मीनिंग क्या है. तो बकर्स का मतलब होता है कि उसमें राजाओं के शूरपना मिस ब्रेवरी को दिखाना, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में दिखाना, बैटल्स के बारे में दिखाना, ग्रेट लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में दिखाना, ये सारा किस में किया जाता है, बकर्स में किया जाता है. तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंस मराठी बकर्स आर वी हैव सीन इन अ प्रीवियस पार्ट. हमने चार्ट भी बनाया था कि आपको पूछा जाता है कंसेप्ट चार्ट में कि टाइप्स ऑफ बकर्स, बकर्स के टाइप्स. तो उसमें हमने देखा था कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग्स, देन हिस्ट्री ऑफ अ सेट एंड बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, डायनेस्टिक हिस्ट्री रिगार्डिंग ग्रेवेंसेस एंड बेस्ड ऑन मेथोलॉजी. ये टाइप्स ऑफ बकर्स है. बकर्स मीन्स अलग अलग टाइप्स पे बनाए जाते हैं. इस पे स्टेट के किंग के एडमिनिस्ट्रेशन पे बनाया जाता है, सैट लोगों की हिस्ट्री बताई जाती है, किंग की बायोग्राफीज बताई जाती है इसके थ्रू, इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन होता है, डायनेस्टीज के बारे में हमें पता चलता है, ग्रीवेंसेस के बारे में पता चलता है, मिथोलॉजी पे ये डिपेंड है. तो हमने देखा था कि सभासद बखार, इट वॉज रिटन बाय द कृष्णाजी अनंत सभासद, कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखा था. किसके टाइम में लिखा था, छत्रपति राजा राम महाराज के टाइम में लिखा था. और ये इम्पोर्टेंट क्यों रखता है, क्योंकि उसमें हमें शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. फिर भाऊ साहिबाची बखर जो है इसमें डिस्क्राइब किया है पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत एज वेल एज पानी, दूसरा बखर है पानीपतची बखर. फिर उसके बाद होलकरांची काया पियट, ये एक है, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है होलकर्स के बारे में कि उन्होंने मराठी, जब मराठी किंग किंगडम था तो उस समय मराठा किंगडम था तो उनका क्या इम्पोर्टेंस था. फिर हमने अभी देखा कि बकर्स को डिफरेंट डिफरेंट इसमें डिवाइड किया गया है. ओके तो ये हमारा प्रीवियस पार्ट था. एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड. इट्स स्टार्टेड बाय द 20th सेंचुरी. कब से शुरू हुआ था ये 20th सेंचुरी में. अब इस समय क्या हुआ था, बहुत से आर्कियोलॉजी कल एक्सप्लोरेशन हुए थे. मीन्स कैसा, जो आर्कोलॉजिकल लोगों ने खुदाई की थी, खुदाई करके बहुत से एविडेंस निकाले थे. एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर, ये किसके अंडर में हुआ था, ब्रिटिश के अंडर में हुआ था. 20th मॉडर्न पीरियड में आपको याद रखना है कि मॉडर्न पीरियड किस पीरियड को कहा जाता है, 20th सेंचुरी जो है इट्स अ मॉडर्न पीरियड. इस समय आर्कोलॉजिकल बहुत सी खुदाई हुई थी, रिसर्च हुए थे. किसके अंडर में हुए थे, ब्रिटिश रूल के अंडर में हुए थे. एंड दैट टाइम जो नंबर ऑफ एंशियंट साइट्स वर एक्सक्वेटेड, बहुत से साइट्स की खुदाई की गई अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंगहैम. किसके अंडर में खुदाई की गई, बहुत से साइट्स की, अलेक्जेंडर कनिंगहैम के समय, सर अलेक्जेंडर कनिंगहैम. एंड ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे. ये कौन है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है किसका, आर्कोलॉजिकल सर्वे का, सर्वे ऑफ इंडिया. मीन्स आर्कोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया में हुआ था उसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल
गवर्नर कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंगहम। इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्ट जनरल इन द आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया सोर्स, जब इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुआ था या खुदाई हुई थी तो कौन था? तो दैट टाइम यू हैव टू राइट सर अलेक्जेंडर कनिंगहम। देन ही चूज मेनली द साइट्स मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट लोगों की जो किताबें थी उसमें कोई साइट्स मेंशन किए गए थे तो उसने उसी साइट्स पे खुदाई की और खुदाई करकर उसने कुछ सोर्स ढूंढकर निकाला। एंड द टेक्स्ट फॉर दिस पर्पस हरप्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द 10, इसी टाइम में किस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया? हरप्पन सिविलाइजेशन को इसी ड्यूरेशन में डिस्कवर किया गया, मींस किसके अंडर में? जो ब्रिटिश था सर अलेक्जेंडर कनिंगहम के अंडर में ही पहली खुदाई की गई हरप्पन सिविलाइजेशन की। एंड देन सर ऑफ सर जॉन मार्शल, सॉरी वो किसने किया था खुदाई करने का काम? सर जॉन मार्शल, जिसने हरप्पन सिविलाइजेशन की खुदाई करवाई थी। एंड बिकॉज ऑफ डिस्कवरी द एंटीक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड टू 3 मिलियन BC और इवन अर्लियर, और इसी खुदाई से जो हमारी इंडिया की जो सोर्स थे या फिर इंडिया के बारे में जो पता चला था हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ये 3 मिलियन BC के पुरानी बात हमें पता चली थी, 300 ईयर्स की बात हमें पता चली थी जब हरप्पन सिविलाइजेशन को क्या किया गया था? आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन किया गया था। किसके अंडर में? सर जॉन मार्शल के अंडर में। ये ओल्ड ने इसे ने बहुत पुरानी ऐसी संस्कृति हमारे सामने में आई जो कितनी पुरानी थी? 300 इयर्स पुरानी थी। फिर मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री, दे आर राइटिंग डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। बहुत से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा, लेकिन उन्होंने उसमें क्या शो किया कि उन्होंने अपना ब्रिटिश लोग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा शो किया। यानी इंडिया में जो 150 साल हमारे ऊपर जब राज किया था ब्रिटिशर ने तो उसको उन्होंने ज़्यादा शो करवाया कि हम पावरफुल हैं, हम ग्रेट हैं, हमारी सिविलाइजेशन अच्छी है। इस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री में उन्होंने अपने आप को शो किया। एंड देन 3 volumes ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल्स, इट इज इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दिस बुक वॉज रिटन बाय द जेम्स मिल। तो विच बुक वॉज रिटन बाय द जेम्स मिल? द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, और द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन बाय जेम्स मिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है आपको कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके थ्रू लिखी गई? जेम्स मिल, या जेम्स मिल ने कौन सी बुक लिखा? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड इट्स राइट रिटन इन द 3 volume, 3 volume मैंने 3 part में लिखी गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट ये बुक के लिखे गए। एंड देन कब लिखा गया? पब्लिश हुई है 1817 में ये पब्लिश हुई। दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाई अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, ये पहली इंडियन हिस्ट्री बुक है जो किसके थ्रू लिखी गई? ब्रिटिश हिस्टोरियन के थ्रू, ब्रिटिश हिस्टोरियन के थ्रू पहली बुक लिखी गई द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड दैट इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रेजुडाइज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स, इसमें रिफ्लेक्ट्स किया गया कि इसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव प्रेजुडाइज सब के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर के कितने डिफरेंट वेराइटी, इंडियन कल्चर के कैसे प्रेजुडाइज है, कैसे पर्सपेक्टिव है, कैसे ऑब्जेक्टिव, ये कुछ भी इसमें दिखाया नहीं गया। एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टोरिट, फिर उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई किसके थ्रू? माउंट स्टोरिट एल्फ्रेस्टोन, किसके थ्रू लिखी गई? माउंट स्टोरिट एल्फ्रेस्टोन, इसके थ्रू लिखी गई द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, नाउ मुंबई, अभी वो क्या है? मुंबई है, पहले क्या नाम था? बॉम्बे। वो कौन था जो माउंट स्टोरिट एल्फ्रेस्टोन? ही वॉज अ गवर्नर ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का गवर्नर था। एंड वॉज पब्लिश इन 1841, और ये कब पब्लिश की गई? 1841। अब इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है,
द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इट वॉज रिटन बाई जेम्स मेल एंड पब्लिश इन 1817 एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखिए द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक बुक है एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये अनदर बुक है एंड इट वॉज रिटन बाय द माउंट स्टुअर्ट एफ स्टोन एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड दिस बुक वॉज पब्लिश इन 1841 ओके इस टाइप से आपको याद रखना है कहीं तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री डेफिनेटली इंडिया की हिस्ट्री है तो इसमें मराठा का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है तो ग्रैंड डफ नेम स्टैंड्स आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री अब उसमें एक और नाम आया है ग्रैंड डफ जिन्होंने क्या किया है मराठा के बारे में हिस्ट्री लिखी है कि मराठा की हिस्ट्री कैसी थी या मराठा कैसे थे इनके बारे में किसने लिखा ग्रैंड डफ इसने लिखा ही रोट द बुक एंटाइटल अ हिस्ट्री ऑफ मराठा उसने जो बुक लिखी अ हिस्ट्री ऑफ मराठा दिस बुक वॉज रिटन बाय ग्रैंड डफ और उन्होंने उसमें किसके बारे में लिखा मराठास के बारे में लिखा क्योंकि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मराठास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट दिस बुक इज पब्लिश इन थ्री वॉल्यूम ये भी बुक को थ्री वॉल्यूम में पब्लिश की गई थ्री वॉल्यूम में थ्री पार्ट तीन पार्ट में पब्लिश की गई एंड ग्रैंड डफ राइटिंग ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमनिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री सिमिलरली टेंडेंसीज विटनेस इन कॉलोनियल उसकी भी हिस्ट्री में हमें वही देखने को मिलता है कि उसने भी मराठा की जो है निंदा की है बुराई की है और उसका झुकाव ज़्यादा ब्रिटिशर्स के तरफ है उन्हें ब्रिटिशर्स के कल्चर्स को ब्रिटिश लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा अच्छे हैं ये उसने शो कराया टुडे राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री मिस हुई विटनेस है जो कॉलोनियल पीरियड का उसने विटनेस बताया है टॉट्स राइटिंग अबाउट और जो टॉट्स है उन्होंने किसके बारे में लिखा राजस्थान हिस्ट्री के बारे में लिखा मिस ग्रैंड डफ ने मराठास के बारे में लिखा द हिस्ट्री ऑफ मराठास उसने उसमें वही दिखाया है कि हमारे द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमिंग इंडियन कल्चर मिस उसका झुकाव ब्रिटिश की तरफ है उसने इंडियन कल्चर की निंदा की है सेम एंड हिस्ट्री सिमिलर जो टेंडेंसी रखता है वो सेम है टॉट्स उन्होंने अपने राजस्थान हिस्ट्री लिखी है एंड द टू वॉल्यूम रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री और दो वॉल्यूम बुक लिखी गई है विलियम हंटर के थ्रू इंडियन हिस्ट्री पे शो अ समव्हाट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट उसमें इम्पार्शियल ट्रीटमेंट बताया गया है जो जनता है उसके साथ कैसा इम्पार्शियल ट्रीटमेंट किया गया ये भी बताया गया है किसके थ्रू सर बाय विलियम विल्सन हंटर के थ्रू देन निकनाथ जनार्दन कीर्तन्स एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वेयर टू इंडियन हिस्टोरियंस हु टूक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशन ऑफ ग्रैंड डफ्स राइटिंग अब दो राइटर्स थे जो थे हमारे इंडिया के राइटर्स थे हिस्टोरियंस थे जिनका नाम था निकानंद जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े इन्होंने क्या किया जो ग्रैंड डफ था जिन्होंने हमारी इंडिया की हिस्ट्री की बुराई की थी उसको लिमिटेशन देने के लिए उसको एक्सप्लोर किया था उसकी हिस्ट्री को और अपनी एक हिस्ट्री बताई थी कि जो ये ग्रैंड डफ ने लिखा है ये हमारे इंडिया के बारे में टोटली रॉन्ग है हमारा इंडिया का कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत अच्छा है अगर हम देखा जाए तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन कल्चर सारे अदर से भी ज़्यादा अच्छे हैं इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लोर किया था ग्रैंड डफ की जो हिस्ट्री थी उसको ओके ओके तो यहाँ देखिए आपके रिफ्रेशर में बना है ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री दिख रहा है आपको ब्रिटिश ऑफिशियल्स जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है एक साइड में ऑफिसर्स के नाम है और अनादर साइड में उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है ये बताया गया है देखिए आपको दिख रहा है आपके रिफ्रेशर में आपको दिखेगा पेज नंबर 21 में ब्रिटिश ऑफिसर्स बुक के नाम एंड वर्क या इंफॉर्मेशन उन्होंने उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी थी तो
तो सर अलेक्जेंडर कलिंगहम के बारे में हमने अभी देखा कि सर अलेक्जेंडर कलिंगहम का क्या कहना था, उन्होंने क्या किया था कि ये पहले डायरेक्टर जनरल थे, ओके, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था इंडिया का। यह हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देन अ नंबर ऑफ एंशियंट साइट्स वर एक्सक्वेटेड, इनके समय में बहुत से साइट्स की खुदाई की गई थी। एंड साइट्स मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर सिलेक्टेड फॉर एक्सक्वेशन एंड रिसर्च। और इन्होंने कौन सी साइट्स को सिलेक्ट किया था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो साइट्स लिखी गई थी उसे। सेकेंड सर जॉन मार्शल के बारे में देखिए कि इन्होंने हरप्पा सिविलाइजेशन की खुदाई करवाई थी। देखो हरप्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड, फिर उसके बाद इट प्रूव दैट इंडियन सिविलाइजेशन डेटेड बैक टू 3rd millennium BCE, यानी इंडिया का सिविलाइजेशन कितना पुराना है, 300 years BCE का मतलब मीन्स बिफोर क्रिस्ट एरिया होता है, तो उसकी 300 years पुराना है। फिर जेम्स मिल्स के बारे में हमने देखा है कि जेम्स मिल ने क्या लिखा है। जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक लिखी है, ये पब्लिश हुई 1817 को पब्लिश हुई। और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि द फर्स्ट बुक रिटन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन, ये पहली बुक है जो ब्रिटिश हिस्टोरियन के थ्रू लिखी गई और ये 3 volume में लिखी गई, मीन्स इसके 3 parts बनाए गए। एंड इट लैक ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर जेम्स मिल के बाद हमने सेम लिखा, जेम्स मिल जो लिखा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसी के जैसा माउंट स्टोरिट एल्डस्टोन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। देखिए दिया गया है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो माउंट एल्डस्टोन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे विच वॉज टूडे मुंबई एंड पब्लिश हिज बुक पब्लिश इन 1841, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा ग्रैंड डफ्स, ओके, ग्रैंड डफ्स इन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ मराठा, उन्होंने मराठा की हिस्ट्री लिखी, लेकिन उन्होंने क्या ही रोट हिस्ट्री ऑफ पब्लिश इन 3 volume, उनकी भी बुक 3 volume में पब्लिश की गई। एंड इट शोज इंक्लिनेशन टूवर्ड कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, उसका झुकाव किसके तरफ था कि इंडिया की कल्चर और हिस्ट्री की बुराई करना, इसके तरफ उसका ज़्यादा ध्यान था, किसका, ग्रैंड डफ्स का। और फिर उसके बाद हमने देखा कोलोनल टोड, ओके, इन्होंने लिखा राजस्थान हिस्ट्री, टोड्स एनालाइज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री को एनालाइज किया, ही रोट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ही हैड अ कंडेमिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन, उसका भी इंडिया के इंडियन से लेकर वही एटीट्यूड था जो ग्रैंड डफ का था। फिर उसके बाद विलियम विल्सन हंटर, इन्होंने लिखा अ ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक लिखा, और इसमें इन्होंने ही रोट 2 volumes ऑफ इंडियन हिस्ट्री को 2 parts में इन्होंने लिखा। एंड इट शोज सम व्हाट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ हिस्ट्री, इन्होंने कुछ इम्पार्शियल ट्रीटमेंट लिखा। तो ये सारी जो बुराई इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखी गई, इससे हमारे जो लीडर थे या हमारे जो हिस्टोरियंस थे वो नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। उनका नाम था निकानंद जानार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, ओके। तो इस तरह के समझा आपको, देखिए वीके रजवाड़े, इसके बारे में हम इसके बाद जो हमारे टॉपिक में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, किसके बारे में, जो सर विलियम जॉन्स फ्रेडरिक मैक्स मुलर, मीन्स इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजीज लॉजिकल फ्रेमवर्क्स, मीन्स इंडियन हिस्टोग्राफी में अलग अलग लोगों ने अलग अलग आइडियोलॉजीज रखी है, अलग अलग स्कॉलर्स ने, जिसमें ब्रिटिश स्कॉलर्स भी थे और जिसमें हमारे इंडिया के स्कॉलर्स भी थे, तो इन सब ने अलग अलग तरीके से इंडिया की इंडियन हिस्टोग्राफी दिखाई है, ओके। तो इस तरीके से आपको कंपेरिजन करना है हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड एंड हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। एंशियंट टाइम में रिटन सोर्स नहीं था, तो लोगों ने अपनी हिस्ट्री पोएम के थ्रू, बैलेट्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शन के थ्रू, कॉइन्स में, मेटल कॉपर प्लेट में, स्टोन्स में
दिखवाई थी। ओके, ये देखा था आपने मेडिवल पीरियड के अलग अलग हिस्टोरियंस हो चुके हैं, ये अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से बुक लिखी। और मॉडर्न पीरियड में भी हमने देखा कि अलग अलग जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने किस टाइप से इंडिया की हिस्ट्री लिखी। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। देन वी विल मीट टू आवर नेक्स्ट वीडियो विद न्यू सब टॉपिक। थैंक यू वेरी मच एंड